हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को बताऊं, आज ना मैंने कॉलेज से छुट्टी ले रखी है। मैंने सोचा था कि मैं अपने सारे असाइनमेंट एंड जितना भी स्टडी का बैकलॉग वगैरह है वो मैं आज कवर करूंगी, बट फिर अचानक से पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा चलो आलू के पापड़ बनाते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं होली आने वाली है यार, एंड आलू के पापड़ ये तो एकदम इमोशन है होली में, एकदम मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते कि नहीं पता नहीं, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ऐसे ही सोचा चलो बनाते हैं। एंड आज सबसे पता है मेन चीज़ क्या है, मेरी मम्मी गई है ऑफिस, बहन गई है स्कूल, घर पे कोई है भी नहीं, मैं हूँ अकेली एंड मेरे को ये बनाना है। तो अभी देखते हैं कैसे बनता है, मुझे बनाना बनाना कुछ भी नहीं आता है एंड मैं बस ट्राई करूँगी एक छोटी सी कोशिश कि शायद अच्छा बन जाए। एंड जैसा भी मैं करती रहूँगी अभी आप लोग को दिखाऊँगी, देखिएगा आप लोग मेरी महान पागलपंती, एंड जो कुछ भी है शायद अच्छा रिजल्ट आ जाए होपफुली, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपना आलू वालू बॉयल करना, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो आलू हैं ये अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं, एकदम रेडी हैं। ये नाइफ को मैंने अंदर डाल के चेक कर लिया, देख सकते हैं आप नाइफ अंदर जा रही है, इसका मतलब ये अच्छे से एकदम बॉइल हो चुके हैं। इसे बॉइल करने के लिए मैंने इसको अच्छे से वॉश करके कुकर में डाला था, देन दो सीटी लगाई थी, पानी के साथ साथ मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया जिससे और ज़्यादा अच्छे से बॉइल हो जाए। अब हमें इसको क्या करना है, छीलना है। ये देखिए हमारे छिले हुए आलू एकदम अच्छे से रेडी, एकदम छिल विल चुके हैं। देन हमें इसका कद्दूकस करना है, एंड ये रहे हमारे कद्दूकस किए हुए आलू, एकदम बढ़िया से कद्दूकस कर रखा है मैंने। एंड अब हमें इसमें कुछ सॉल्ट एंड मसाले वगैरह ऐड करने हैं इसको टेस्ट अच्छा करने के लिए। एंड ये रहे हमारे सारे मसाले स्पाइसेस, इसमें नमक लिया है मैंने, चिली फ्लेक्स लिया हुआ है, ये ऑयल है, इन दोनों की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से इनको मारना है एंड इसका एक अच्छा से डो बनाना है जैसे आटे का बनाते हैं। एंड ये हमारा डो हो गया एकदम फुल्ली रेडी, एंड अब हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है, एंड दीज आर द लोई। ये हमारी लोई बन चुकी है, अभी आप देख रहे होंगे कि लोई तो कुछ ज़्यादा ही है, इतना आटा भी बचा भी हुआ है, इतना आटा नहीं सॉरी आलू। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने जो है स्टार्ट कर दिया था, देन अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना चलो इसको शूट करते हैं। तो जो है मैंने आलू जब छील रखा था थोड़े से ही बचे थे, तो उसी को बॉयल वॉयल करके ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की है, बट एक्चुअली में ये रहा पूरा मटेरियल जितना भी मैंने रेडी कर रखा है इसको बनाने का, एंड अभी हमें इसको फैलाना भी है तो देखते हैं। एंड ये देखिए हमारा एकदम पापड़ रेडी है, अच्छे से फैल वैल चुके हैं ये कम्प्लीटली, एंड अब हमें वेट करना है ये कैसे बने शाम तक का। हमारे आलू के पापड़ बनके एकदम रेडी हो चुके हैं अच्छे से, मैंने इसको बॉईल भी किया, देन इसको मैश वैश किया एंड इसका लोई बनाया, डो बनाया, देन अभी तो ये फैल के एकदम कम्प्लीटली रेडी है। अब बस हम लोग को शाम तक का वेट करना है जब ये सूख जाएंगे, एंड देखेंगे ये कितना ज़्यादा क्रंची एंड परफेक्ट बने हैं, वो तो शाम को पता चलेगा ना। एंड बाकी आपको अगर इसका टेस्ट जानना है तो फिर वेलकम टू यू माई होम, जल्दी से मेरे घर आइएगा होली में एंड टेस्ट करके बताइएगा मैंने कैसे बनाए हैं। मुझे बनाना बनाना कुछ नहीं आता, मैं पहले से बोल दे रही हूँ, तो देखते हैं।